गई है 2004 से। ओडिशा के टीम से 3 नाइजेरियन खिलाड़ी आए हुए हैं और आपको दिखाएंगे हम लोग यहाँ कुनकुरी के नॉकआउट टूर्नामेंट में आए हैं 3 नाइजेरियन खिलाड़ी। और आज भी एक रोमांचक मैच। सभी दर्शकों से आग्रह है अपने अपनी जगह पर खड़ा हो जाएंगे। हमारे राजकीय गीत शुरू होगा। सभी से अनुरोध है हमारे दर्शकों से जहां तक मेरी आवाज जा रही है कृपया आप अपने अपने जगह पे खड़ा हो जाएंगे। जो नीचे बैठे हैं उनसे भी आग्रह है खड़ा हो जाएंगे। फुटबॉल क्लब गुमला झारखंड की टीम और हमसे दूर वाली जो गोल पोस्ट पे है वो है बीएफसी कुचिंडा उड़ीसा। काफी उत्साहित टीम में 2 विदेशी खिलाड़ी कुचिंडा के टीम में और वो तीनों ही प्लेग लेवल में खेल रहे हैं आज और काफी कहूंगा कैसे लगने वाला मैच। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उनकी सोच उनकी विचार बहुत जबरदस्त। एक जेंटलमैन हमारे क्षेत्र के विधायक देखते हैं दोस्तों इधर देखिए सोच रहता है सुनील। इस प्रतियोगिता के बाद में इस मैदान का बिल्कुल काया कर लिए कैसे डेवलपमेंट कैसे किया जाए। उसी के साथ आज का मैच का शुरुआत पहले हाफ का गुमला वर्सेस झारखंड गुमला झारखंड वर्सेस कोचिंडा उड़ीसा के बीच और हमारे खेल पे भी दर्शकों को भी यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का जरूर महसूस होगा कि हमारे यहाँ मेजबानी हो रहा है कुनकुरी के खेल मैदान में। दोनों खेल की जो शैली है उसको देखकर मौर्य जी बिल्कुल मैं सुनील मैं इस बात पे आऊँगा। एक बड़ा टाइट कॉन्टेस्ट होने वाला है मुकाबला इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बड़ा दोनों ही अपनी अपनी जगह पे एक जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती है दोनों टीमें। एसटी फुटबॉल क्लब गुमला वर्सेस बीएफसी कुचिंडा उड़ीसा के बीच मुकाबला। तालमेल अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए ओवरऑल एक बैलेंस टीमें हैं दोनों और दोनों अपनी अपनी जगह पे जानी जाती है अपने खेल से बिल्कुल ही। इस टूर्नामेंट को छोड़ना नहीं चाहेगी दोनों ही टीमें। इसका विजन हमें 1.5 घंटे बाद पता चलेगा। सुनील एक बड़ा मुकाबला अब रोमांचक मैच होने की संभावना है। लगभग लगभग 3 या 3.5 मिनट शुरू हो चुका है खेल। श्री नीरज पारिक जी श्री अनुराग मसी जी श्री कुंदन पन्ना जी श्री दानिश अहमद जी श्री पूरन गुप्ता जी श्री शिवम बेहरा जी सचिन जोशी जी श्री पिट्टू जी श्री शकील जी श्री बिट्टू भाई श्री इबादत श्री अशरफ बाबा जी श्री कृष्णा श्री चंदू जी निर्णायक मंडल के पैनल हैं। श्री विक्की ठक्कर जी श्री कृष्णा साहू जी श्री कन्हैया साहू जी श्री प्रिंस अग्रवाल जी श्री अभिषेक अग्रवाल जी श्री दिनेश सिंह जी श्री राजा भारती जी अभिषेक झा जी जी श्री राणा जी श्री राजकुमार जी यादव जी वीर सिंह जी शिव इम्तियाज छोटू जी जी
श्री रकीब खान एसटी फुटबॉल क्लब कुमला की टीम और हमसे जो दूसरी गोल पोस्ट पे है पीएफसी कुचिंडा उड़ीसा और जिसमें तीन विदेशी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। आज दर्शक काफी तादाद में उस मुकाबले को देखने के लिए आए थे और आज भी हमारे माताएं बहने भी आए हुए हैं इस मुकाबले को देखने। लोग देख रहे हैं मन को मोही हुए मगर हमारे कुनकुरी जो क्षेत्र है इसका कुनकुरी नाकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता हमारे क्षेत्र में छन छा स्वागत है नीतीश शर्मा आपका भी हमारे और मैं सुनी रहा हूँ। अभी अभी एक सूचना मिला है हमारे लेजेंड्स राजू शर्मा जी कुनकुरी के काफी साल वो कप्तान रहे कुनकुरी के उनकी ओर से हमारे क्षेत्र के आवाम के लिए दर्शकों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट हमारे कुनकुरी का किस स्तर पर पहुंच चुका है। फॉरेन प्लेयर को आप आसानी से पहचान सकते हैं भी अभी बोलेंगे प्रदर्शन और गोल काटता हुआ पीएफसी कुचिंडा उड़ीसा की टीम मौका नहीं दिया है सुनील राय ने भी और राहत चाचा की जो आवाज आती थी चिकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे लीड करते हैं और आपसे ही सीख करके आज हम कुछ बोल पा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल हम सभी हमारे जेंटलमैन उपस्थित यहाँ पर मंच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम फेसबुक पे लाइव है और ड्रोन कैमरा भी चालू है अभी तक खेला है ना मैच का लेकिन पोस्ट के ऊपर तो निश्चित तौर पर नहीं दिख रहा यार कामयाबी मिलती लेकिन फ्रेम के ऊपर ये सूट और इसी बीच काफी देर से साथ बैठे हैं हमारे छोटे भाई सुनील राय मैं उन पर भी आंखों देखा हाल सुनाने के लिए सुनील राय स्वागत है वेलकम है आपका। धन्यवाद मोरी जी चार गोल से पिछड़ते हैं जैसे आपने कहा कि उसके मेंटर्स उनके कोच उनके मैनेजर ने गुमला की टीम को जरूर कुछ बात बताए होंगे और जब इस प्रकार से यहाँ पर संतुलन कप्तान मैच खेलते हुए छह मौके यहाँ पे बनाते हुए मगर अब तक सफलता नहीं मिली है गुमला की टीम को। मगर कहावत है ना हम लोग कविता पढ़े हैं और इंग्लिश में पोएम्स है ट्राई अगेन हिंदी में कविता करत करत अभ्यास है जड़मति हो तुझा रसनी आवत जाते दिल पे गुमला की टीम बार बार प्रयास कर रही है और जरूर इसका भी छाप छोड़े के गोल मार करो ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
आवाज के दीवाने हैं मोदी जी। कौन कहता है कि केवल गाना सुरीली होता है। मैं जैसे कुलपुरी में आता था पहले भी और रहा चाचा कि जो आवाज आती थी चिक्की चिक्की बम बम वो धुन सुना था। और दूसरा आपकी कमेंट्री का मोदी जी, आपकी आवाज भी काफी सुरीली है। मैं गाने में हमेशा सुरीली आवाज आती है मगर मुझे आपकी कमेंट्री में सुरीली और मीठी आवाज मुझे लगता था तो लगता है अभी तक मैच में जो खेल चल रहा है सेकेंड हाफ की स्थिति है और अभी तक गुमला की टीम सेकेंड हाफ में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मोरे थी। कुलपुरी वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है।